मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्मों को देखने में आनंद तब आता है जब अंतिम तक इस रहस्य से पर्दा न उठे कि आखिर में मर्डर के पीछे किसका हाथ है, और कभी कभी किसी के राज को जानना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, और जब बात और बिगड़ जाए तो इसमें जान भी जा सकती है। मर्डर मुबारक मल्टीलेयर वाली ह्यूमर से भरपूर मर्डर मिस्ट्री है। इसमें कई किरदार दिखाए गए हैं और सभी के अपने अपने राज हैं। कुछ के निशान गहरे हैं तो कुछ आम से, लेकिन सबके पीछे छुपी है एक दिलचस्प कहानी। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्डर मुबारक मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। इस फिल्म में अमीरों की जिंदगी को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि अक्सर जो हमें दिखता है वो असल में होता नहीं है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है द रॉयल दिल्ली क्लब से, और यहाँ दिवाली की पार्टी शुरू होने से पहले हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैट को ढूंढ रही होती है। तो अब इस पार्टी में जितने लोग शामिल होने वाले हैं उन सारे कैरेक्टर को जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं लियू मैथ्यू से, जो कि पूरी तरह से ठरकी है। दूसरे नंबर पर नाम आता है यश बत्रा का, जो कि नशेड़ी है और वो शराब से ड्रग्स तक हर एक चीज का नशा करता है। आगे आते हैं रणविजय सिंह, जो कि राजा महाराजा के खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बहुत फेकूचंद है और बख्शीश के तौर पर वो सिर्फ 20 रुपए देते हैं। आगे नंबर आता है आकाश डोगरा का, जो कि बेचारा है। वो इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से कभी भी कुछ नहीं होता है, हालांकि वो एक लॉयर है। अब आगे हमें रोशनी बत्रा को दिखाया जाता है, जो कि यश नशेड़ी की माँ है, और उनकी खूबी ये है कि वो बकबक करने में एक्सपर्ट है। और आखिर में देखते हैं शहनाज नूरानी को, जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। दरअसल में सभी लोगों का कहना है कि वो बी ग्रेड फिल्म की सी ग्रेड एक्ट्रेस है। तो अब भला कोई कैसा भी हो, लेकिन इस क्लब में आने के बाद कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता है। सभी लोग अपने आप को सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं, जिसके बाद हमें दिखाई जाती है बॉम्बी तोड़ी को, जो कि एक विधवा है। उसके हस्बैंड की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में बॉम्बी जो है वो आकाश को पसंद करती है। तो अब जब दिवाली की पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी वो बच्ची देखती है कुछ ऐसा कि सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची टेबल के नीचे गप्पी नाम के एक आदमी की लाश को देख पाती है, और जब ये सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि गप्पी जो है वो मरा नहीं है, वो तो बस बेहोश हुआ था क्योंकि उसने ज्यादा शराब पी ली थी। तो अब जो लियो है वो यहाँ का बहुत ही फेमस बंदा है। दरअसल में वो एक जिम ट्रेनर है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लियो और राजा जी के बीच में बहस हो जाती है। दरअसल में लियो ने राजा जी को अंकल कह दिया था, जिस वजह से उनके बीच में जोरदार झड़प हो जाती है, और देखते ही देखते क्लब के सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मानो ये कोई मच्छी बाजार हो। तो अगले दिन की सुबह में कुकी, रोशनी और बॉम्बी जो है वो जिम के लिए निकलते हैं, और वो लोग पिछली रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब वो लोग वर्कआउट करना शुरू कर ही रहे होते हैं कि तभी बॉम्बी की नजर लियो पर पड़ती है, लेकिन लियो तो यहाँ पर मारा जा चुका था, उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, और ये देखकर वो तीनों ही पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तब तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है, और यहाँ पर एंट्री होती है एसीपी भवानी सिंह की। तो भवानी सिंह ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये बस एक हादसा है और ज्यादा वेट उठाने के कारण लियो की जान चली गई। लेकिन एसीपी सर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करें, और जिम में लगे सीसीटीवी कैमरा को वो चेक करने लगते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है वहीं पर कुछ बलून्स भी है जिन्होंने उस कैमरे को कवर कर रखा है। इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा था। वो लोग देखते हैं कि फ्रिज में लियो का प्रोटीन शेक रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बलून से पूरा का पूरा कैमरा जो है वो कवर हो जाता है और अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ की कुछ चीजें देखने के बाद एसीपी सर यहाँ के मालिक से कहते हैं कि ये हादसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक मर्डर है। जिसके बाद भवानी सिंह यहाँ के सभी लोगों से मिलना शुरू करते हैं, सभी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो मिलते हैं कुकी से, जो कि अजीब तरह की मूर्तियां बनाती है और अक्सर वो जूस में कॉकटेल मिलाकर भी पीती है। और यहीं पर हम गप्पी राम को भी देख पाते हैं, जिसे हमने शुरुआत में मरा हुआ पाया था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो यहीं पर छोटे मोटे काम करता है। तो अब बॉम्बे जो है वो आकाश के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, जिस पर कि आकाश बताता है कि वो आज रात कोलकाता जा रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है कुहू। लेकिन बॉम्बे चाह रही थी कि वो ना जाए, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर उसके पास आकाश आ चुका था।
वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए लेकिन तुमने मेरे कोई भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो आकाश उससे कहता है कि तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो भला वो कॉल क्यों उठाए। तो बॉम्बे कहती है कि अगर किसी के हस्बैंड की मौत हो गई हो क्या तुम तब भी कॉल नहीं उठा सकते, जिस पर कि आकाश कहता है कि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। बॉम्बे आकाश को बताती है कि हिमाचल जाते वक्त अंशुल की बस का एक्सीडेंट हो चुका था और वो बस डायरेक्ट खाई में चली गई थी जिसमें सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी की डेड बॉडी तो मिल गई थी लेकिन चार लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली और उनमें अंशुल भी शामिल था। अब भवानी सिंह एक और औरत से पूछताछ करते हैं जिसका नाम था गंगा। दरअसल में गंगा जो है वो पहले बॉम्बे के घर पर मेट का काम किया करती थी लेकिन बाद में बॉम्बे ने उसे क्लब में काम दिलवा दिया क्योंकि गंगा का पति एके उसे बहुत मारता था। अब 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम बॉम्बे और अंशुल की इंगेजमेंट होते हुए देख पाते हैं और जब बॉम्बे की इंगेजमेंट हो रही थी तो यहीं पर हम आकाश को भी देख पाते हैं। आकाश बॉम्बे से कहता है कि तुम्हें जब इंगेजमेंट करनी ही थी तो तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं बुलाना था। बॉम्बे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन आकाश यहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि हम यश को आकाश से मिलता हुआ देख पाते हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सभी को मालूम है कि यश नशेबाजी करता है लेकिन अब वो सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अब वो उल्टे सीधे काम कुछ भी नहीं करता है। तो अब भवानी सिंह जिस तरह से क्लब के सभी लोगों को देख रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें किसी एक के ऊपर शक है। उन्हें तो दरअसल में क्लब के सारे सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि क्लब के सारे मेंबर्स के कैरेक्टर थोड़े अजीब से हैं। लेकिन भवानी सिंह को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि इन सब की कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है और इनके पीछे कई सारे रहस्य भी हैं। जिसके बाद भवानी सिंह लियो मैथ्यू के घर पर जाते हैं। वहाँ पर छानबीन करने के दौरान उन्हें लियो के घर पर कुछ ज्वेलरी मिलती है जो कि लियो की तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉम्बे जो है वो आकाश से कहती है कि उसकी चोरी करने वाली आदत जो है वो फिर से लग चुकी है और उसने भवानी सिंह का चश्मा चोर लिया था। दरअसल बॉम्बे उसे बताती है कि ये चोरी करने वाली आदत जो थी वो शादी से पहले थी लेकिन शादी के बाद ये छूट चुकी थी, लेकिन अंशुल के जानने के बाद अब ये आदत फिर से लग चुकी है। और इन सारी बातों के बारे में लियो को मालूम चल गया था कि उसे चुराने की आदत है, इसलिए लियो जो है वो बॉम्बे को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद आकाश और बॉम्बे तुरंत ही भवानी सिंह के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं और उनका सही सलामत चश्मा भी लौटाते हैं। तो भवानी सिंह उन्हें बताते हैं कि तुम अकेली नहीं हो जिससे कि लियो ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं। जिसके बाद वो लियो के ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ पर कि वो पला बड़ा था। वहाँ पर जाने के बाद वो राकेश नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि यहीं पर काम करता है और यहाँ पर बॉम्बे को मालूम चलता है कि क्लब से ढेर सारे लोगों ने इस ऑर्फनेज में डोनेशन दिए हुए हैं और उन सब के नाम भी यहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद भवानी सिंह उन सब से पूछताछ करना शुरू करता है कि आखिर डोनेशन क्यों दिए थे, जिसमें सबसे शुरुआत होती है रोशनी बत्रा से। वो बताती है कि दरअसल में यश जो है वो नशेबाजी कर रहा था और इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था और सिर्फ लियो को मालूम था। तब लियो हमें ब्लैकमेल करने लगा इसलिए मुझे उसे पैसे देने पड़े और वो डायरेक्ट ऑर्फनेज में डोनेशन के रूप में थे। तो वहीं बारी आती है राजा जी की। तो राजा जी बताते हैं कि वो ऑर्फनेज में अक्सर पैसे डोनेट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें ये करना अच्छा लगता है, इस वजह से नहीं कि लियो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और उसका मर्डर तो वो कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसे चोरी छुपे नहीं बल्कि आमने सामने मर्डर करता है। जिसके बाद भवानी सिंह जो है वो शहनाज के पास जाते हैं। उससे पूछताछ करने के दौरान वो कहते हैं कि तुम आखिर ऑर्फनेज में पैसे डोनेट क्यों करती हो, जिस पर कि शहनाज बताती है कि वो पिछले 20 सालों से उस ऑर्फनेज में डोनेशन देते आई है क्योंकि वो अनाथ बच्चों की अहमियत जानती है, क्योंकि तुम नहीं समझोगे कि दंगे वाले माहौल में बच्चे पैदा करना कैसा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि भवानी सिंह उस प्रोटीन शेकर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उस प्रोटीन शेक में दरअसल में पिंको नाम का एक ड्रग्स था जिस वजह से उसे पीने के बाद लियो की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और वो हैवी पेट के कारण मारा गया। और अब बॉम्बे और आकाश को भी इस पिंकू नाम के ड्रग्स के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए वो एक क्लब में जाकर उस ड्रग्स के बारे में पता करने लगते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि इस ड्रग्स को अक्सर यश यहाँ से लेकर जाता है, मतलब कि उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि यश अभी भी ड्रग्स लेता है। तो वही हम अब गप्पी को देख पाते हैं जो कि क्लब के किचन में था। वो यहाँ पर अपनी कैट को ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वो जो देखता है उसे देखकर वो हैरान ही रह जाता है क्योंकि एक ओवन में उसकी बिल्ली को मार दिया गया था। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया था।
अगले दिन की सुबह होती है जहाँ पर कि भवानी सिंह देखता है कि गप्पी जो है वो चुकंदर मतलब कि बीट रूट में एक्स्ट्रा पानी डाल रहा होता है और वो उससे बात भी कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि रॉयल क्लब में इलेक्शन भी आ चुके थे और उन इलेक्शन के मेन दावेदार थे नूरानी और महाराजा जी। और सहनाज यहाँ पर भवानी सिंह को अपनी दोनों बेटियों से भी मिल पाती है। तो वही गप्पी की कैट मर जाने के कारण बॉम्बे जो है वो उसके पास आती है और उसे हौसला देती है। गप्पी को ऐसा लग रहा था कि उसकी कैट को किसी ने मार दिया है, लेकिन बॉम्बे उससे कहती है कि ओवन खुला रह गया था, इसी वजह से तुम्हारी बिल्ली उसमें घुस गई। और यहाँ बॉम्बे और आकाश के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो एक कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहां से ये लोग बात करते हैं कि पहले तुम निकलो, उसके बाद वो यहाँ से जाएगी। और बाहर आते ही हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर गप्पी की मौत हो चुकी थी और वहीं पर महाराजा जी की फ्लेयरगन भी पड़ी हुई थी और उसी से गप्पी ने खुद की जान ली थी। लेकिन भवानी सिंह को ऐसा नहीं लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गप्पी को शायद किसी ने मारा है, जिसके बाद वो गप्पी जहाँ पर रहता है उस जगह को चेक करने लगते हैं। बाहर उन्हें ढेर सारी कॉफी मिलती है, उन्हें समझ आता है कि गप्पी को कॉफी पीने का बहुत ज्यादा शौक था। और यहाँ बॉम्बे और आकाश जो है वो भवानी सर को ए के चौधरी के बारे में बताते हैं, जो कि गंगा का पति है और वही यस को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर गंगा बताती है कि उसका ए के से अब कोई भी संबंध नहीं है, वो उसे मारता था इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। और जब बॉम्बे और आकाश ये सारी चीजें बता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से आकाश की नजर पड़ती है लियो के घर से मिली कुछ ज्वेलरी पर, और उन्हीं ज्वेलरी में वो देखता है कि उसने बॉम्बे को जो इयर रिंग्स दिए थे वो यहीं पर रखे हुए हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था, जिसके बाद वो बॉम्बे से बहुत झगड़ता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि लियो और उसके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। यहाँ पर बॉम्बे उसे बताने की कोशिश करती है कि जब अंशुल इस दुनिया से चला गया तो वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए उसने लियो का सहारा लिया। लियो से वो प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी। और यहाँ अब ब्लैकमेल की असली वजह मालूम चलती है कि दरअसल में लियो जो है वो बॉम्बे को इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। तो अब आकाश तो बॉम्बे को छोड़कर चला गया था, अब बॉम्बे भवानी सर के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि लियो मुझे इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उनके बीच में वन नाइट स्टैंड हो चुका था। वो ये बात बाहर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो आकाश को भी इसके बारे में मालूम चल जाएगा और वो उसे छोड़कर चला जाएगा। और हुआ ऐसा ही, जिसके बाद भवानी सर जो है वो आकाश के घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहां पर चुकंदर की सब्जी और चुकंदर का जूस भी था। तभी उसे आकाश की माँ के द्वारा एक बात मालूम चलती है कि चुकंदर की सब्जी में अगर ज्यादा पानी दे दिया जाए तो वो खराब हो जाती है। और ये सुनने के बाद उन्हें याद आता है कि गप्पी अक्सर वहां पर चुकंदर की सब्जी में एक्स्ट्रा पानी डाला करता था। तब वो वहीं पर खुदाई करवाना शुरू करते हैं और खुदाई करवाने के दौरान उन्हें एक बॉडी का स्केलेटन मिलता है। और अब भवानी सर को मालूम चलता है कि गप्पी जो है वो चुकंदर में पानी नहीं दिया करता था, वो तो इस बॉडी में पानी दिया करता था, क्योंकि इसमें कॉफी की मात्रा मिलाई गई थी, वो भी विनेगर के साथ। और अगर ये सब के बाद पानी दिया जाता है तो वो एसिड के रूप में बदल जाती है। तो स्केलेटन को चेक करने के दौरान उन्हें मालूम चलता है कि भैया ये तो 30 से 40 साल के आदमी की है, और उसके माथे पर कुछ कांच के टुकड़े भी मिलते हैं, और उन कांच के टुकड़े का उपयोग जो है वो कुकी अपनी मूर्तियां बनाने में करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भवानी सर जो है वो राजा जी के पास जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद तो भवानी सर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे, क्योंकि राजा जी के अंदर राजा जी वाली तो कोई बात है ही नहीं, वो तो बहुत ही गरीब आदमी है। वो बताते हैं कि उनसे सब कुछ छिन गया, लेकिन वो अपनी इमेज बजाना चाहते थे, इसलिए वो रॉयल क्लब मर्सिडीज से जाते थे जो कि किराए की हुआ करती थी, और अच्छे कपड़े पहनकर, ताकि उनके ऊपर कोई भी शक ना हो। तो भवानी सर को आगे मालूम चलता है कि कुकी ने दो मूर्तियां बनाई थी उन कांच का उपयोग करके। एक मूर्ति तो उसने राजा जी को दी थी और दूसरी मूर्ति उसने आकाश को दी थी, लेकिन अब शक की सुई पूरी तरह से राजा जी के ऊपर अटक जाती है, क्योंकि इसी मूर्ति का हथियार के रूप में उपयोग करके उस स्केलेटन वाली बॉडी के माथे पर प्रहार किया गया, जिस वजह से राजा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि वो एके की बॉडी है जो कि गंगा के पति है। लेकिन बाद में भवानी सर को मालूम चलता है कि वो दरअसल में एके की बॉडी नहीं है, बल्कि वो तो बॉम्बे के पति अंशुल की डेड बॉडी है। ये सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। अब भवानी सर बॉम्बे से आकाश के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बॉम्बे उन्हें कुछ भी नहीं बताती है, जिसके बाद भवानी सर तुरंत ही आकाश के घर पर पहुंच जाते हैं आकाश के बारे में पता करने के लिए।
लेकिन वो अभी भी घर पर नहीं था और वो उस मूर्ति के बारे में भी पूछ रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि मूर्ति तो उनके घर पर है ही नहीं, लेकिन दादी को उस मूर्ति के बारे में मालूम था। दूसरी तरफ रात में यश जो है वो खुद सुसाइड कर लेता है और उसने एक नोट भी लिखा था, लेकिन सही समय पर उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश कर ली थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि भवानी सर जो है वो सभी को बताने वाले थे कि आखिर मर्डरर है कौन। भवानी सर बताते हैं कि वो आज सबको बताएंगे कि मर्डरर कौन है। उससे पहले वो सभी की पोल पट्टी भी खोलेंगे क्योंकि अब उन्हें सबकी कहानियां मालूम चल चुकी है। सबसे पहले बात आती है सहनाथ जी की। सहनाथ जी के बारे में बताते हैं कि जिस दंगे के बारे में आप बात कर रही थी वो 1992 का दंगे है और तब आपने एक बेटे को जन्म दिया था और आपकी दो बेटी हैं, लेकिन वो तो बहुत कम उम्र की है। आपका बेटा लगभग 30 के ऊपर का होना चाहिए, जिस पर कि नूरानी जो है वो सब कुछ सही बता देती है। वो कहती है कि लियो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसका बेटा राकेश है जो कि ऑर्फनेज में था और लियो चाह रहा था कि वो राकेश को सभी के सामने एक्सेप्ट करे। लेकिन आज सहनाज नूरानी जो है वो सभी के सामने राकेश को एक्सेप्ट कर लेती है कि वही उसका बेटा है। अब बॉम्बे सर स्केल्टन के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में वो बॉम्बे को पहले ही बता चुके हैं। वो बताते हैं कि वो स्केल्टन दरअसल में बॉम्बे के पति अंशुल का था। अब शक की सुई यश के पास भी पहुंच चुकी थी। वो बताते हैं कि कल रात उनके पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग बॉम्बे, और उसके बाद उसने आई लव यू लिखा था। मतलब कि यश जो है वो बॉम्बे को बहुत पहले से पसंद किया करता था, लेकिन बॉम्बे उसे पसंद नहीं करती थी, जिसके बाद उसकी माँ भड़क उठती है और रोशनी जो है वो सभी को बताती है कि यश ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। उसे ड्रग्स का ओवरडोज जरूर हुआ था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो अब कोमा में जा चुका है। तो ये बात तो भवानी सर को मालूम है कि यश ने मर्डर नहीं किया है, बस वो तो सबके रहस्य खोल रहे थे। जिसके बाद भवानी सर गप्पी के बारे में बात करते हैं कि उसी ने अंशुल की बॉडी को ठिकाने लगाया था, लेकिन ये वो अकेले तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी मदद की होगी जरूर आकाश ने, क्योंकि आकाश बॉम्बे से प्यार करता था और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। और कुकी ने भी दो मूर्तियों में से एक मूर्ति जो है वो आकाश को दी थी, इसी वजह से उसी मूर्ति से आकाश ने अंशुल को मारा था। तो अब सभी को ऐसा लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन तभी पीछे से बॉम्बे आवाज देती है और अब वो सब कुछ बताने लगती है। और वो सारी चीजें भवानी सर को पहले से ही मालूम थी। वो बताती है कि वो रॉयल क्लब से हमेशा से जुड़ना चाहती थी और वो रॉयल क्लब के साथ रहना चाहती थी क्योंकि हमेशा से रॉयल क्लब की सेलिब्रिटी की तरह रहना था, इसलिए उसने अंशुल से शादी की। लेकिन अंशुल से शादी तो कर ली, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थी आकाश की। और एक दिन वो देखती है कि उसका पति अंशुल जो है वो गंगा के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। ये देखकर वो अपने पति अंशुल को बहुत चिल्लाती है, लेकिन अंशुल तो उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा और गंगा से शादी कर लेगा। बॉम्बे अंशुल से सिर्फ इतना चाह रही थी कि वो सिर्फ परफेक्ट कपल की तरह दिखे, भले ही वो उससे प्यार ना करता हो, लेकिन अंशुल तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। इसी वजह से बॉम्बे को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर रखी मूर्ति से अंशुल के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। जिसके बाद बॉम्बे ने गप्पी का सहारा लिया और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन एक दिन गप्पी ने नशे की हालत में ये सारी बातें लियो को बता दी, जिसके बाद लियो जो है वो बॉम्बे को ब्लैकमेल करने लगा। तो ये वो वजह थी जिसके कारण लियो बॉम्बे को ब्लैकमेल कर रहा था और बॉम्बे अब ब्लैकमेल हो भी रही थी, इसलिए उसने भी कुछ प्लान बनाए और सबसे पहले गप्पी की पिकेट को मारने का निर्णय लिया, क्योंकि वो गप्पी को भी अब मारना चाहती है। इसलिए वो गप्पी के पास जाती है और उसे बहुत ही अच्छे से समझाती है, और क्योंकि गप्पी बीमार है इसलिए वो बॉम्बे की बात मान लेता है और फ्लेयर गन से खुद को शूट कर लेता है। जिसके बाद वो यश के पास जाती है और यश को हाई ड्रग्स डोज देने के बाद उसके हाथ पर काम करना बंद कर देते हैं, जैसा कि उसने लियो के साथ किया था। बॉम्बे ने लियो के प्रोटीन शेक में भी यही ड्रग्स मिलाया था, जिस वजह से लियो की बॉडी जो है वो काम करना बंद कर दी थी, इसी वजह से ओवरवेट के चलते वो मारा गया था। तो भवानी सर को इन सब के बारे में ऐसे मालूम चला कि वो आकाश के घर गए थे। वहां जाने पर दादी उन्हें बताती है कि वो मूर्ति मुझे डराया करती थी, इसलिए हमने वो मूर्ति जो है वो बॉम्बे के घर गिफ्ट कर दी, और गिफ्ट करने के बाद बॉम्बे ने उसी मूर्ति से अपने पति अंशुल को मार दिया। तो मर्डरर दरअसल में आकाश नहीं बल्कि बॉम्बे है। तो यहाँ पर भवानी सर आकाश से कहते हैं
कि बॉम्बी का केस वो ना लड़े, क्योंकि प्यार अच्छे अच्छों को फंसवा सकता है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस केस में फंसो। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये मर्डर मिस्ट्री फिल्म अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।